फिरोजाबाद साइबर अपराध पुलिस ने बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह तीन आरोपियों को इस्लामिया कॉलेज के पास गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी बैंक मोहर और नकदी बरामद की है। पुलिस हिरासत में खड़े साइबर अपराधी है, नाम है युवराज उर्फ गौरव, मनीष यादव और रोहित यादव है, जिसमें युवराज गिरोह का सरगना है बीबीए का छात्र भी है। पुलिस की माने तो पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों 29 जनवरी को साइबर ठगी कर 50,000 रुपए बैंक खाते से पार किए थे, जिसके बाद साइबर अपराध पुलिस आरोपियों की तलाश जुट गई और सोमवार की सुबह शहर के इस्लामिया कॉलेज के पास से सरगना समेत तीन आरोपियों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 31,500 रुपए, काफी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र और पेन प्लेट बरामद की है। आरोपियों ने पुलिस को बताया है, बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ओटीपी लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आरोपियों को सुसंगत धाराओं में जेल भेज दिया है। देखिए, साइबर थाना पुलिस एवं उत्तर थाना पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं युवराज, मनीष एवं रोहित। युवराज इसमें बीबीए पढ़ा हुआ है और बैंकिंग के बारे में उसे पूरी जानकारी है। ये लोग ऐसा करते थे कि पहले ये अपना एक पंपलेट छपवा करके उसे आसपास के जनपदों में फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा में वितरित करते थे, जिस पर उनके अपने मोबाइल नंबर्स भी होते थे। जब उसमें लोन के लिए जब उनको लोग कॉल करते थे तो उसे बात करके व्हाट्सएप पे उनके सारे डिटेल्स मंगवा लेते थे, फिर उन्हें बुलवाते थे, बैंक के आसपास ले जाते थे, उनका केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम में मोबाइल नंबर भी ले लेते थे और ये भी कहते थे कि आपका जो लोन अमाउंट होगा उसका 20% आपको अपने अकाउंट में रखना जरूरी है। इस तरह से करके जब उनका सारा डिटेल से प्राप्त कर लेते थे तो ये कहीं भी जन सुविधा केंद्र से या अन्य किसी एटीएम से उनके पैसे निकाल लेते थे, क्योंकि इसी दौरान उनके एटीएम के पिन और ओटीपी भी ले लेते थे। हमारे यहाँ राजू कुशवाह हैं, जो कि 29 जनवरी को उनके साथ में एसबीआई बैंक से 50,000 का फ्रॉड हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट की थी तो हमारी टीम उस पर काम कर रही थी और उस केस को उन्होंने वर्कआउट किया, इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल फ़ोन, लोन फॉर्म तथा जो ये प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट्स छपवाए थे, वो सारी चीज़ें भारी मात्रा में बरामद हुई हैं और इनका एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है तथा जो इन्होंने फ्रॉड इनके साथ में किया था उसमें 31,500 रुपये की बरामदगी की गई है। इस इनके पूरे नेटवर्क का हम लोग पता लगा रहे हैं। ये तीनों सिकंदरा थाना आगरा के रहने वाले हैं, अन्य जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कराएंगे। सर, अभी तक इन्होंने कितनी घटनाएं कबूली हैं? तो अभी तक जो इनसे हम लोग को जानकारी मिली है उससे करीब 3 से 3.5 लाख रुपये तक इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। फिर भी अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं, इनके हम और भी जितने भी ठिकाने हैं उन पर भी हम सर्च करा रहे हैं। जो भी हमें जानकारी मिलेगी उसको हम विवेचना का पार्ट बनाएंगे, उस बेसिस पर हम विवेचना को अंतिम रूप देंगे। क्या कोई और भी इनका तरीका होता था सवाय लोन के फ्रॉड करने का? अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये लोन दिलाने का लालच दे करके लोगों से डिटेल्स प्राप्त करते थे और उनके साथ में फ्रॉड करते थे।